सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो आंख देखना चाहती है वह तुम ना देखो, जो तुम देखना चाहते हो वह आंख देखे, जो जिह्वा चखना चाहती है वह तुम मत चखो, जो तुम चखना चाहते हो वह जिह्वा चखे। जो महाराज इंद्रियां चाहती हैं, इंद्रियों के तुम गुलाम मत बनो। हम क्या करते हैं, इंद्रियों के गुलाम बन के बैठे। कैसे, एक छोटा सा दृष्टांत तो उससे आप समझो। एक व्यक्ति 5 सिपाहियों के साथ जा रहा था, तो एक छोटा सा बालक अपने पिता की उंगली पकड़ के मार्केट घूमने आया, तो पूछा, पिताजी ये कौन है? ये 5 वर्दी वाले हैं और ये बीच में कौन जा रहा है इनके? बोले, देखो ये जो 5 है ये 5 सिपाही हैं, और जो बीच में है ये उसका राजा है। कौन है? राजा। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या देखा कि वही 5 वर्दीधारी सेम वैसे, और उनके बीच में भी एक व्यक्ति जा रहा है। बोले, पिताजी ये भी राजा है क्या? इसके साथ ही 5 सैनिक चल रहे। बोले, नहीं नहीं ये राजा नहीं है। तो कौन है? बोले, ये चोर है, ये 5 सिपाही इसको पकड़ के ले जा रहे हैं। अब बोलो, 5 लोग उस राजा के साथ भी थे और 5 लोग इस चोर के साथ भी है कि नहीं? सेम कलर के ड्रेस 5 लोग उस राजा के साथ भी पहने हुए थे, सेम कलर के ड्रेस उस चोर के साथ भी 5 लोग पहने हैं। तो फर्क क्या है इस चोर और राजा में? क्या फर्क नजर आया आपको? बोलो, कुछ नजर आया? नहीं आया? पता है क्या फर्क है? जो राजा है वो 5 उस राजा का कथन मानने वाले हैं, और जो चोर है वो चोर उन 5 के इशारे पे चलने वाला है। अब तुम बताओ, तुम राजा की तरह जीना चाहते हो या चोर की तरह जीना चाहते हो? बोलो, चोर की तरह जीना है तो किसकी तरह जीना है? जोर से बोलो, राजा की तरह ना। तो अब हम जी कैसे रहे हैं? आंख जैसा कहती हम वैसा कर रहे हैं, कान जैसा कहते हम वैसा सुन रहे हैं, जीभ जैसी कहती वैसे हम खा रहे हैं। तो बोलो, हम चोर बने कि राजा? बोलो, चोर बने ना। इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं, दासता कर रहे हैं, इसलिए उस राजा की तरह अपने जीवन का यापन करो। अपने आप को उस राजा की तरह समर्पित भाव से उन इंद्रियों को अधीन रख करके आगे बढ़ो। श्री व्यास भगवान ने यही बात बड़े प्रेम के साथ कही। सुखदेव जी कहते, जब व्यक्ति ने चारों को अपने वश में कर लेता है तो निश्चित रूप से उसका मन ठाकुर जी के चरणों में लगने लग जाता है।